Oh. आज का प्रातः क्लास है सोलह जून 1968 शिव भगवान वाद किसके प्रति कालीग्रामों के प्रति क्योंकि वो वाच करने वाला बिंदु है उसकी बिंदु का ही नाम शिव है तो वाच भी किससे करता है बिंदु स्वरूप शालिग्राम प्रति और ये तो सारे कल्प में एक ही बार होता है कि ज्योति बिंदु शिव अपनी ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माओं से बात करते हैं और कोई भी युग में बात नहीं करते सिवाय संगम युग के ये भी तुम जानते हो और तो कोई जान नहीं सकता मनुष्य उस रचयिता और उसकी रचना के आज मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते मनुष्य होकर भी और नहीं जानते तो जानवर भी ठहरे ना क्योंकि मनुष्यों को तो मन बुद्धि है मनन चिंतन करने का अभ्यास होना चाहिए मनुष्य शक्ति के आदि पुरुष को जान लेना चाहिए परंतु नहीं जानते हैं ये भी जानते हैं स्थापना में विघ्न भी पड़ते हैं ये ज्ञान यज्ञ है शास्त्र में कथा आई है यज्ञ करते थे तो राक्षस कचरा आदि डाल करके विघ्न डालते थे इसे ज्ञान यज्ञ में ज्ञानी का कचरा पड़ता है तो बाप समझाते हैं इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वो सभी स्वाहा हो जाना तो फिर इस पुरानी दुनिया में ममत्व नहीं रखना चाहिए क्योंकि बाप आकर पढ़ाते ही हैं नई दुनिया के लिए पुरानी दुनिया की कोई प्राप्ति के लिए बाप नहीं पढ़ाते हैं और ये है पुरुषोत्तम संगम युग पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि
या यूं कहें कि द्वितीय सोच वॉइसलेस वर्ल्ड का संगम है। अभी ये बीसीएस वर्ल्ड वॉइसलेस वर्ल्ड में परिवर्तन हो जाती है, नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। वहां विषय विकार होंगे ही नहीं, उस नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता ही धर्म था। और कोई भी धर्म नहीं था, उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो होती हैं, परंतु वो सब कन्वर्ट होकर के कच्चे पक्के देवताएं बन जाते हैं। उनका विधर्मीपना मर्ज हो जाता है, ये तो बच्चे जानते हैं। पॉइंट्स बहुत समझने के हैं। बाप रात दिन कहते रहते हैं, बच्चों तुमको बहुत गुहे से गुहे बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है ये पढ़ाई चलती रहेगी, फिर पढ़ाई बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं, और तुम्हारे में भी नंबरवार है। उन नंबरवार बच्चों को बाप दादा ही जानते हैं। आपस में तुम भी नहीं जानते कि कौन कौन क्या क्या नंबर वाले हैं, कितने गिरते रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कि सदैव पवित्र रह सकते हैं, पवित्र नहीं रहते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती हैं। सजाएं न खाने वाले आठ माला के दाने ही पांचवे दानर होते हैं। फिर प्रजा भी बनती रहती है, प्रजा कोई योग बल से तो बन न सके, ये है ही राजयोग बल। राजयोग बल से तो राजघराने में जन्म होता है, ये बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई बेसमझ को समझाओ तो वो समझ तोड़ ही सकते हैं, बेसमझ को समझदार बनाने में टाइम लग जाता है। तो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम बच्चे नहीं समझा सकते। रिपोर्ट्स आदि जो आती हैं उनको बाप ही जानते हैं। होता मेल के आधार पर जानते हैं कि ये विकार में गिर गया, ये हुआ, परंतु कोई का नाम तो नहीं बता सकते।
क्योंकि अगर नाम बता रहे हैं तो कोई भी उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सभी उनको विकार की दृष्टि से देखेंगे। की कमाई चट हो जाएगी। ये तो जिसने धक्का खाया कैसे खाया वो तो बात ही जाने। ये बड़ी गुप्त बातें हैं और वो बातें तो बात ही जानती हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको तुमने बहुत समझाया, वो तुमको मदद कर सकते हैं, परंतु मदद भी तब कर सकते हैं जब हाजिर हो ना। समझो गवर्नर को तुम बहुत अच्छी रीति समझाते हो, परंतु वह थोड़े ही किसी को समझा सकेंगे। और वो अगर कोई को समझा रहे हैं तो कोई मानेंगे भी नहीं। जिनको समझने का होगा वो ही समझेगा, दूसरे को थोड़े ही समझा सकेंगे। उनको सभी कहने लगेंगे ये क्या कहते हो, ब्रह्मा कुमारियों ने इनका माथा खराब कर दिया है। तो बाप कहते हैं ये तो कांटों का जंगल है, हम आकर उस कांटों के जंगल को मंगल बनाते हैं। गाते भी हैं मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना, परंतु ये श्लोक आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? जरूर कहेंगे अभी संगम युग में ये सारा फाउंडेशन पड़ रहा है, क्योंकि मंगल तो तब ही होगा जब विष्णु का राज्य होगा। तीन देवताएं हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के जमाने में मंगल हो जाए, शंकर के पार्ट के समय मंगल हो जाए तो हो ही नहीं सकता। जब विष्णु का राज्य होता है तो मंगल हो जाता है। भक्ति मार्ग में विष्णु अवतरण का खेल भी दिखाते हैं। बाबा ने तो ये सभी कुछ देखा है, अनुभव है ना। सभी धर्म वालों को अच्छी रीति जानते हैं। पर्सनल बाप किसके शरीर में आवेंगे तो जरूर एक पर्सनालिटी भी चाहिए। तब कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में जब के हुआ यहाँ का बहुत अनुभवी होता है। कहाँ का? ब्राह्मणों की दुनिया का अनुभवी होता है तब मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाहरी दुनिया के अनुभवी की बात नहीं, और वो अनुभवी भी साधारण। कैसी पर्सनालिटी? साधारण पर्सनालिटी। वो तथाकथित ब्राह्मण समझते हैं,
ये दादा लेखराज की साधारण पर्सनालिटी थी। अरे वो असाधारण गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े थे, साहूकार थे या साधारण पर्सनालिटी थी? मैं तो साधारण तने में आता हूँ। मैं अर्थात बाप का पार्ट, पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि राजा रजवाड़ा, नहीं। तो पर्सनालिटी को तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में ही आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। तो जब कोई समझे कि यही भगवान की मत है, सभी भगवान की मत पर ही चलते हैं। तुमको समझाना पड़े। अभी तो ये राजधानी स्थापन होती है, और धर्म पिताएं आए, कभी राजधानी स्थापन करके नहीं गए। कोई राजा ही आकर के स्थापन नहीं की। बाप तो राजयोग सिखला करके राजधानी स्थापन करते हैं। माला भी बनती है, माला संगठन की निशानी है। माला के जो मणके हैं वो चैतन्य आत्माओं की यादगारें हैं। जिन चैतन्य आत्माओं को बाप ने ज्ञान और योग के धागे में पिरोया था, योग अर्थात स्नेह का धागा, ये राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई राजा बनते हैं, कोई रानी बनते हैं, कैसे बनते हैं? ये बातें कोई एक दिन में तो नहीं समझ सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। भगवान आकर के समझाते हैं। जब भगवान आकर के समझाते हैं तो भी देखो बहुत मुश्किल थोड़े से पवित्र बनते हैं। बाकी कितने सजा खाते हैं। सजाएं खा खा करके प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। तो देखो राजाएं कितने बनते हैं, जो नंबरवार कम सजाएं खाने वाले बनते हैं, और प्रजा कितनी बनती है? ढेर की ढेर। ये सभी समझने में टाइम चाहिए, और समझने के साथ साथ बहुत मीठा भी बनना है। कोई को दुख नहीं देना है। बाप आते ही हैं सभी को सुख का रास्ता बताने के लिए। तो सुखदाता बाप के बच्चे सुख देने वाले ही होना चाहिए ना। बाप आते हैं दुखों से छुड़ाने के लिए। तो फिर खुद किसको दुख कैसे देंगे?
परंतु ये सभी बातें तुम बच्चे समझते हो। जो भक्त बुद्धि है नहीं समझते हैं तो कहते हैं भगवान ही दुख देते हैं, भगवान ही सुख देते हैं। बाहर की दुनिया वाले इन बातों को बड़ी मुश्किल से समझते हैं। तो तुम बच्चों को, तुम्हारे जो भी संबंधी आदि हैं उन सभी से ममत्व तोड़ देना है। ममत्व तोड़ने का मतलब ये नहीं कि तोड़ नहीं निभानी है, तोड़ तो निभानी है, परंतु बुद्धि का लगाव तोड़ देना है। घर परिवार में रहना है परंतु नाम मात्र रहना है। कोई ये ना कह सके कि ये सन्यासी बन गया, ये तो बुद्धि में है, ये तो सारी ही पुरानी दुनिया है, ये सारी पुरानी दुनिया जो इन आंखों से देखते हो वो सब खत्म हो जानी है। तीसरे नेत्र से जो देखते हो वो अविनाशी देखते हो। ये विनाशी आंखें जो देखती है विनाशी दुनिया को देखती है, अविनाशी आंख तीसरा नेत्र बाप आकर के देते हैं, उससे तुम नई दुनिया को देखते हो। परंतु ये ख्याल सभी को नहीं आ रहेंगे, जो अनन्य बच्चे हैं वो ही समझते हैं, वो भी अनन्य बच्चे भी अभी सीखते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। 16 जून 1938 वाणी का दूसरा केस, पुरुषार्थ करते करते बहुत तेज भी हो पड़ते हैं। माया की धमचक्करी बहुत चलती रहती है, वो माया भी बड़ी बलवान है, परंतु ये बातें और कोई थोड़े ही समझा सकते हैं। तुम्हारे पास आते हैं समझना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, इतनी याद इतनी रिपोर्ट आज गवर्नमेंट में जाती है, ये क्यों आती है? अभी जिनके पास रिपोर्ट जाती है वो लोगों की तो बदली होती रहती है, उनको समझाओ तो बदली हो जाते हैं, दूसरे नए आ जाते हैं। तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़ता है। यहाँ भी कोई आते हैं कोई अच्छा होगा तो झट कह देंगे हमको इनका सभी मालूम है, अच्छी बात को भी नेगेटिव रूप में ले लेते हैं। कोई कहते हैं ये बहुत अच्छी संस्था है, अब राजधानी की स्थापना की बात है तो बड़ी गुह्य गोपनीय है, बेहद का बाप बच्चों को मिला है तो बच्चों को कितना हर्षित तो होना चाहिए, हम विश्व के मालिक देवता बनते हैं,
तो हमारे में कितने दैवी गुण होने चाहिए? एम आव्यक्त तो तुम बच्चों के सामने खड़ी है, ये है नई दुनिया के मालिक कौन? लक्ष्मी नारायण। तो ये सबसे न्यारी बातें हैं। मनुष्य तो इनकी बायोग्राफी को समझ ही नहीं सकते। ये तुम सभी समझाते हो, कहते हो हम भी पढ़ते हैं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है वो हमको पढ़ाते हैं। अमरपुरी अथवा हेविन में जाने के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है, परंतु इतनी अच्छी नॉलेज लेने के लिए आवेंगे वही जिन्होंने कल पहले आकर के लिए, कल पहले मुआफिक। अपनी राजधानी हम अपने आप स्थापन करते हैं। ये माला बन रही है नंबर वार, माला के दाने नंबर वार आवेंगे जो राज्य अधिकारी बनेंगे। स्कूल में भी जो अच्छा पढ़ते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, वो तो हद की बातें हैं। तुमको मिलती है बेहद की स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप लेने के लिए तुम बाप के मददगार बनते हो। जो मददगार बनते हैं वो उच्च पद पाते हैं। सर्विस बिगर तो कोई मददगार भी नहीं कहा जाएगा और उच्च पद भी नहीं प्राप्त कर सकता। वास्तव में मदद तुम कोई बाप को नहीं करते हो, अपने आप को ही मदद करते हो। मुख्य बात है पवित्र बनना। हम जो सतो प्रधान थे वही फिर बनना है, उसके लिए बाप को याद जरूर करना है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको बहुत रुचि से याद करना है। परंतु माया ऐसी है जो रुचि से याद भी नहीं करने देती है। अनेक प्रकार की किस्म किस्म की रिपोर्ट्स लिखते रहते हैं, कहते हैं बाबा हमको माया के विकल्प बहुत आते हैं। बाप कहते हैं ये तो युद्ध का मैदान है, पांच विकारों पर जीत पानी है और जीत पाएंगे बाप की याद से। त्रेसठ जन्म तुमने बहुतों की दिविचारी याद की, दिविचारी याद करते करते तुम भिकारी दिविचारी बन पड़े। अभी तुम समझते हो हम सतो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। एक सत्य बाप की याद से ही बनेंगे। तो बाप आकर के समझाते हैं। भक्ति मार्ग वाले कोई भी इन बातों को जानते नहीं है कि इनकी तो ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे, पहले तुम पावन थे ना,
अभी फिर पावन बनना है। सत्युग त्रेता में पावन देवताएं थे, द्वापर कलयुग में पतित तो बनी कैसे? द्वापर कलयुग में जब द्वैतवादी युग आया तो अनेकों के संग के रंग से पतित तो बने। अभी उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े और संग तोड़ एक संग जोड़, जानते हो देवताएं पावन थे, जरूर एवर प्योर का संग किया होगा। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट्स बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भविष्य में फिर हम सूर्यवंशी राज्य में आएंगे। बाप आते भी हैं तो पहले पहले ये ज्ञान किसको देते हैं? सूर्य को देते हैं। सूर्य की जो भी ज्ञान किरणें हैं, उन ज्ञान किरणों से जो पहले पहले स्नान करते हैं वो सूर्यवंशी राज्य में आवेंगे। इसके लिए पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है, सारा मार्क्स लेने के ऊपर है, जानते हो कि रामचंद्र त्रेता में क्यों आया? रामचंद्र ही क्या, जो भी सतयुग के देवताएं थे, जो भी नारायण बनने वाली आत्माएं थी, वो सब त्रेता में आकर क्या बनती है? राम बनती है। जिस नंबर के नारायण बनते हैं उसी नंबर के राम बनते हैं। फेल होते हैं तो राम बनते हैं, पास होते हैं तो नारायण बनते हैं। नंबर बार पास होते हैं तो नंबर बार नारायण बनते हैं। तुम जानते हो राम युद्ध के मैदान में फेल हो गया, कब? जरूर कहेंगे यज्ञ के आदि में फेल हुआ तो राम बनने की शूटिंग हो गई। अभी जो पास होंगे वो फिर ऊंचे पद पा देंगे। आज में फेल होने वाले कोई फाइनल में फेल नहीं होते। कब फेल हुए? आज में फेल हुए, फाइनल परीक्षा आज में थोड़ा ही होती है। कब होती है? अंत में होती है। उन्होंने फिर युद्ध का नाम सुन करके तीर कमान आदि दे दिए। वहां कोई बाहुबल की लड़ाई थोड़े ही होती है। भक्ति मार्ग में जो भी यादगार हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। जो फेल हो जाते हैं उनको बाप की ओर से तीर कमान मिल जाते हैं। जो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान बाण मिले वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकते। अगला जन्म लेते हैं तो वही ज्ञान बाण फिर काम में आते हैं। उन ज्ञान बाणों से अपनी राजाई ले लेते हैं। बाप की दी हुई चीज है ना, बाकी फूल तीर कमान आदि की कोई बात नहीं है। कमान कौन सी है? है
ये पुरुषार्थ की कमान है, जिसे मन बुद्धि में और मनोबुद्धि धारण करने वाला जो शरीर है, उस शरीर में ज्ञान के आधार पर जितना लचीलापन आ जाता है पुरुषार्थ करने के लिए, वो ही कमान है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग में बुत बनाए हुए हैं। तीर की जो नोक होती है बहुत तीखी होती है, उसमें जहर भरते हैं। ये जहर कब भरा गया है? जब खेल होते हैं तो किस कारण से फेल होते हैं है? माया अपवित्र बनाए देती है तो जहर भर जाता है। तो भक्ति मार्ग में जो तीर बनाते हैं उसमें उन्होंने फूल तीरों में जहर भरना शुरू कर दिया। जहर ऐसा होता है जो आदमी को ही खत्म कर देता है। आगे बाणों की लड़ाई चलती थी, अभी है? अभी बांब की लड़ाई है। बाणों में भी जहर होता था और बांब में भी जहर है। तो आज से लेकर के अंत तक ये निशानियां चलती चली आ रही है। कोई कोई बाण चलाने में बहुत होशियार होते हैं, जब तक बाण मांस के अंदर न घुसे तब तक जहर फैल न सके। मांस का मतलब क्या हुआ? ये देह अभिमान का मांस है ना, अभी बाप कहते हैं स्कूल लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा आते हैं तो भक्ति मार्ग की जो भी स्थूल बातें हैं उनका सूक्ष्म में क्या अर्थ है बेहद में, वो अर्थ करके बताते हैं, हिज्जे हिज्जे करके बताते हैं। उनका ये गुह्य ज्ञान है जिससे हम ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ रहे हैं, नहीं तो इस देह में ही मांस भरा हुआ है। ये सभी कुछ पुराना है। नई दुनिया में गोल्डन एज भारत था, तो गोल्डन एज भारत का कितना नाम था, मशहूर था। ऐसा भारत का प्राचीन योग किसने सिखाया और कब सिखाया? ढाई हजार वर्ष की तो हमको हिस्ट्री मिलती है। उन्हें इब्राहिम बुद्ध पैस आदि ने तो नहीं सिखाया, न कोई गोल्डन दुनिया स्थापन की।
उससे पहले जो 2500 वर्ष हैं उसकी हिस्ट्री मनुष्यों को पता नहीं है। बाप ही आकर के नई दुनिया की हिस्ट्री बताते हैं। तो जरूर सतयुग त्रेता रूपी जो गोल्डन दुनिया थी उससे पहले बाप ने आकर के ये राजयोग सिखाया। परंतु ये बात का किसी को भी पता नहीं। जब तक बाप खुद न आवे तब तक ये राज कोई भी समझा नहीं सकता। ये नई चीज है, नया ज्ञान है। इस नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों के पुराने ज्ञान से दुनिया पुरानी होती जाती है, तम प्रधान बनती जाती है। कल पहले जो होता आया है वो ही अभी रिपीट होगा। इस बात में फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात भी तुम जानते हो, ये भी लिखा हुआ है। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नग्न करते हैं, इनसे हमको बचाओ। बाप कहते हैं अभी ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से तुम 21 जन्म तक नग्न नहीं पाओगे। बाप कितना आपके बीच समझाते हैं। कोई शरीर के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम बाप की याद में अपने को मुर्दा बना दो। आत्मा का ही तो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर भी सभी एक रस पवित्रता की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ने वालों में रात दिन का फर्क हो जाता है। तो ये आते हैं पढ़ने के लिए, फिर थोड़ा पढ़ करके गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपना अनुभव भी सुनाते हैं, कैसे हम आए थे, कैसे हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, कैसे हमको पवित्रता में मदद मिलती रहती है। बाप कहते हैं हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर फिर एक बार भी पतित बना तो जो भी अभी तक की हुई कमाई है वो चट हो जाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा ही पतित बनती है। जिसका असर शरीर के ऊपर भी होता है। वो अपवित्रता फिर दिल अंदर खाती रहेगी। फिर किसी को बताए नहीं सकेंगे कि बाप को याद करो। मूल बात विकार के लिए ही पूछते रहते हैं। सोलहवीं 1938 वाणी का तीसरा पेज। बाप कहते हैं बहुत कुछ पूछने करने आदि की दरकार ही नहीं है। क्यों नहीं, ये रेगुलर पढ़ाई जो पढ़ते हैं उस पर मनन चिंतन मंथन करते रहते हैं, उनको पूछने की दरकार नहीं रहती। जो रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते, पंक्चुअल नहीं रहते, फिर वही वही बातें बाप से बार बार पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं हम तुमको रोज नई नई बातें सुनाता हूँ।
तुम स्टूडेंट हो ना, तुम स्टूडेंट, ईश्वरी स्टूडेंट हो, भगवान तुमको पढ़ाते हैं। भगवान है ऊंच से ऊंच, उसके स्टूडेंट भी ऊंच से ऊंच। ऐसे ऊंच से ऊंच पढ़ाई को तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। इसलिए बोला, रोज की मुरली में रोजमर्रे की समस्याओं का समाधान बच्चों को मिलता रहता है, परंतु बच्चे उन बातों पर गौर ही नहीं करते। एक दिन भी मुरली नहीं सुनी तो फिर वो एब्सेंट पड़ जाती है। अच्छे अच्छे महारथी भी एब्सेंट हो जाते हैं, वो तो समझते हैं कौन। अच्छे अच्छे महारथी क्या समझते हैं कि अब हम तो सभी कुछ जान गए, हमको तो बाबा ने टीचर बना दिया। अरे पूरी पढ़ाई ही न पढ़ी तो क्या हुआ? ऐसा करने से एब्सेंट पड़ जाएंगे, नापास हो जाएंगे। नहीं तो बेसिक पढ़ाई में जो पढ़ाई पढ़ाई गई उसका उदाहरण ले सकते हैं। बड़े बड़े महारथियों ने क्या समझा है? उन्होंने समझा कि हम तो सारी पढ़ाई पढ़ ली, फिर रिजल्ट क्या आया? बाद में पता चलता है कि हम तो पीछे रह गए, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए, ना पास हो जाते हैं। तो बाप खुद कहते हैं ऐसे ऐसे पॉइंट रोज सुनाता हूँ जो समय पर समझाने में बहुत काम आवेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम में लावेंगे। वो बताते हैं जहाँ तक जीना है वहां तक पीना है। क्या मतलब? 2036 तक जिंदा बने रहेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे क्या है? हाँ, जहाँ तक जीना है का मतलब जब तक देहभान में जिंदा है तब तक के लिए ये पढ़ाई है। बाप जीते जी मरना सिखाते हैं, कोई शरीर छोड़ करके मरने की बात नहीं है। ये ईश्वरीय शिक्षा को धारण करना है। तो बच्चों को एब्सेंट तो कब नहीं होना चाहिए, ईश्वरीय पढ़ाई की वैल्यू नहीं है तो एब्सेंट होते रहते हैं। टीचर के सम्मान की कदर नहीं है तो सुप्रीम टीचर के पढ़ाई में पंक्चुअल नहीं रहते हैं। बाप कहते हैं यहाँ वहां से ढूंढ कर कोई से भी मुरली लेकर जरूर पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। कोई ऐसा काम लग जाता है क्लास में जाकर मुरली नहीं सुन सकते हैं तो क्या करना चाहिए है? जो मिस हो गई है मुरली वो कहीं से भी ढूंढ करके सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बाबा जानते हैं
बहुत बच्चे हैं अच्छे अच्छे नंबर वन में आने वाले, जिनको बाप गिनते हैं, गिनती के बच्चे हैं, फिर भी मुरली मिस कर देते हैं। क्यों? उनको अपने बड़प्पन का घमंड आ जाता है तो मुरली मिस करते रहते हैं। अरे सोचना चाहिए ना, भगवान बाप पढ़ाते हैं, दस दिनों में एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी ऐसी गुड पॉइंट्स निकलती है जो तुम्हारा व किसका भी कपाट खुल सकता है। आत्मा है, परमात्मा क्या है, कैसे इनका पाठ चलता है, ये बातें गहराई से समझने में टाइम तो चाहिए ना। आत्मा कोई एक जन्म तो नहीं लेती है, 84 का चक्र है। जो संपूर्ण परिपूर्ण आत्मा बनते हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा, कितने जन्म होते हैं? 84 जन्म होते हैं। तो आत्मा के अनेक जन्मों की बायोग्राफी को समझना बड़ी मेहनत का काम है। बाप तो कहते हैं, अंत में तो ये सारा ज्ञान उड़ाई देंगे, सूक्ष्म बतन को भी उड़ाई देते हैं। सूक्ष्म बतन माने ये मनन चिंतन मंथन करने की जो दुनिया है, वो भी सारी उड़ जाएगी। क्या रह जाएगा? निसंकल्पी ज्योति बिंदु स्टेज बन जाएगी, फिर मनन चिंतन मंथन की दरकार ही नहीं। पिछाड़ी में सिर्फ यही रहेगा, अपन को आत्मा समझ मान एकम याद करो। परंतु अभी कितना समझाना पड़ता है, पिछाड़ी की तो यही बात है। क्या अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाप को याद करते करते चले जाना है बाप के धाम में। एक बाप की याद से ही तुम पवित्र बन जाते हो। कितना हम पवित्र बने हैं तो तुम ही समझ सकते हो। जैसे जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस है उतना ही पवित्र बने। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बाप समान स्टेज को तो प्राप्त करना ही है ना। अपवित्र को तो पद भी जरूर कम मिलेगा। मुख्य सिर्फ 8 रत्न ही है जो पास विदानर हो जाते हैं, वो कुछ भी सजा नहीं खाते हैं। क्यों? हाथ ही क्यों नहीं है? क्यों है? 16 या 12 क्यों नहीं है? क्योंकि 8 ही ऐसे मुख्य धर्म है जो बाप से प्राप्ति करते हैं। नंबर वार उन 8 धर्मों के जो 8 मुख्य बीज हैं, वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने में विशेष सहयोगी बनते हैं। नई दुनिया परिपूर्ण की होनी चाहिए, या उनमें कोई अपूर्ण भी हो तो भी चलेगा, परिपूर्ण होना चाहिए।
कोई भी सजा खाने वाला होगा तो नई दुनिया में डिफेक्ट हो जाएगा। ये बड़ी महीन बातें हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है, कोई को सपने में भी नहीं होगा कि हम देवता बनेंगे। इस जन्म में कोई को सपना आता था अज्ञान काल में? कैसे देवता बने थे ये बात भी किसी को पता नहीं थी। अभी तुम समझते हो ये तो बहुत सहज है, सहज राजयोग से ही हम यह देवता बने हैं, वो भी जब बाप आवे तब समझा दे। तुम बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है, तुम कितना समझाते हो फिर भी कोई समझते नहीं। कोई जानते थोड़े ही हैं। अगर इन बातों को मान ले तो झट चटक पड़े। अच्छा ओम शांति।